निर्धारित अधिकतम मूल्य से ज्यादा कीमत पर मदिरा का विक्रय करने पर कलेक्टर कन्वी शर्मा के आदेशानुसार जिले की 9 देसी विदेशी मदिरा दुकानों पर शराब का क्रय विक्रय बुधवार 2 दिसंबर को एक दिन के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके लाइसेंस भी एक दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि कुल 9 दुकानों के लाइसेंस 2 दिसंबर तक के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। इन शराब दुकानों में विदेशी शराब दुकान घमापुर, महाराजपुर, बरगी और माड़ोताल शामिल है। इसी तरह देसी मदिरा दुकान कुंडम, खितौला, पिपरिया और करमेता शामिल है। इन सभी शराब दुकानों के लाइसेंस जिला कलेक्टर न्यायालय ने एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। जो है तो टेस्ट परचेसिंग विदेशी मदिरा दुकानों में करवाई गई थी, जिस पर जो है तो हम लोग ग्राहक बनाते हैं और उससे मदिरा खरीदी करवाते हैं कि दुकानों में कहीं मदिरा विक्रय मूल्य से ज्यादा तो नहीं है। इसकी जानकारी के लिए हमने जो है तो पिछले दिनों टेस्ट परचेसिंग दुकानों में करवाई थी और कुछ दुकानों में जो है तो MRP से ज्यादा दर दुकानदारों द्वारा लिया गया था। उनके प्रकरण दर्ज करके और माननीय कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया था। तो कलेक्टर द्वारा जो है तो एक दिन के लिए 9 दुकानों के लाइसेंस अभी सस्पेंड किए गए हैं, जिसमें जो है तो विदेशी मदिरा दुकान घमापुर, विदेशी मदिरा दुकान बरगी, विदेशी मदिरा दुकान महाराजपुर, विदेशी मदिरा दुकान माढ़ोताल, इसी तरह देसी मदिरा दुकान कुंडम, देसी मदिरा दुकान करमेता, देसी मदिरा दुकान खितौला और देसी मदिरा दुकान पिपरिया और देसी मदिरा दुकान पिपरिया। हाँ, इतने दुकानों का जो है तो लाइसेंस कलेक्टर द्वारा सस्पेंड किया गया है। एक दिन के लिए उन दुकानों पे जो है तो मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है।